नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ 112 इमरजेंसी नंबर। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों ने एक बार फिर दिया झटका। हिंदुस्तान यूनिलीवर व्यापार के लिए बिहार में तलाश रही है जमीन। राज्य के तापमान में हो रही है बेतहाशा बढ़ोतरी। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से शुरू हुआ 112 इमरजेंसी नंबर। बिहार में अब किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए एक ही कॉन्टैक्ट नंबर डायल करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह राजधानी पटना के शास्त्री नगर स्थित इसके इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS कमांड एंड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इससे पहले 112 इमरजेंसी नंबर का ट्रायल पटना में किया गया था और आज उद्घाटन के बाद से तय जिलों में इसकी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार पुलिस के ADG JS गंगवार ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं के लिए अब सिर्फ 112 नंबर रहेगा। इस पर पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी। फिलहाल डायल 100 या 101 पर किए जाने वाले कॉल भी इसी कमांड एंड कंट्रोल रूम को ट्रांसफर होंगे। बिहार में होगा नील गायों पर शोध। अब पालतू जानवरों की तरह ही नील गाय को भी फार्म में रखा जाएगा। जी हां, इसकी स्वीकृति मिल गई है। देश का पहला राज्य बिहार होगा जहां नील गायों को पालतू जानवर बनाने को लेकर शोध किया जाएगा। महज एक पखवाड़े के अंदर हरियाणा फार्म में वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज की जमीन पर नील गाय शोध केंद्र शुरू हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने इसके लिए फिलहाल 3 लाख की राशि आवंटित की है। इसी विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुदय ने बताया कि नीलगायों के मांस और दूध में कई जरूरी तथ्य छुपे हो सकते हैं। इनको पालतू जानवर बनाकर रोजगार और अर्थोपार्जन किया जा सकता है। मालूम हो कि नीलगाय की संख्या बढ़ने से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कॉमर्स विषय के लिए भी होगी STET। कॉमर्स के लिए भी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित कराएगा। आपको बता दें कि बीते दिन इसके लिए आधिकारिक जानकारी देते हुए साफ कर दिया गया है। दरअसल इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी। इसकी अरसे से मांग की जा रही थी। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कॉमर्स विषय में कितनी नियुक्तियां होनी है इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है कि अब कॉमर्स विषय के लिए भी STET परीक्षा आयोजित की जाएगी। फल्गु नदी में अब सालों भर रहेगा पानी। जल संसाधन विभाग द्वारा गया जिले के फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के आसपास के इलाकों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने की योजना के लिए 334.83 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही विष्णुपद मंदिर के पास बन रहे रबर डैम के इर्द गिर्द इलाके में जल जमाव दूर करने की योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं रोहतास जिले के डिहरी ऑन सोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 67.27 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इन सभी कार्यों का जिम्मा जल संसाधन विभाग को दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों ने एक बार फिर दिया झटका। जिस बात की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी वह आज खबरों में सुबह सुबह दिखाई देने लगा। एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि राजधानी पटना में गैस सिलेंडर की कीमत 1142.50 रुपए हो गई है। वहीं 5 लीटर वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 8.50 रुपए की कमी हुई है। सबसे अधिक सहरसा जिले में गैस की कीमत देखी गई है। यहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1154.50 रुपए प्रति 14 लीटर की गैस सिलेंडर है। बाकी सभी जिलों में 1 रुपए या 50 पैसे ऊपर नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर व्यापार के लिए बिहार में तलाश रही है जमीन। बिहार में भी अब बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप करना चाहती हैं। वो चाहे अंबुजा हो, ITC या फिर ब्रिटानिया, इन सभी बड़ी कंपनियों ने बिहार को इसके लिए चुना है। ऐसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बिहार 500 करोड़ से अधिक निवेश की इच्छा जताई है। अडानी समूह के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बिहार में निवेश के लिए जमीन तलाश रही हैं। पिछले दिनों कोलकाता में हुए निवेश मीट में कन्वेटर्स एग्रो ने 600 करोड़ और JIS ग्रुप ने 300 करोड़ का निवेश प्रस्ताव बिहार को दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश के उन कंपनियों में शामिल है जो सबसे ज्यादा घरेलू प्रोडक्ट तैयार करती है। इनमें लक्स, लाइफ बॉय, रिन, पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सल, सनसिल्क आदि शामिल है। 6 महीने में
में बिहार पुलिस ने की रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी। बिहार में अपराधियों के अपराध चरम पर हैं, यही वजह है कि पुलिस भी रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। बिहार पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी में रिकॉर्ड बनाया है। इस साल जनवरी से जून तक 65,000 से अधिक अपराधियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें गंभीर मामले, शराबबंदी कानून के उल्लंघन समेत कई आपराधिक कार्य करने वाले अपराधी शामिल हैं। सिर्फ शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने जनवरी जून के बीच 31,634 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक शराबबंदी कानून उल्लंघन में मुजफ्फरपुर से 3,470 अपराधी पकड़े गए हैं। 80% बच्चे जानकारी के अभाव में इस लाभ से हो रहे हैं वंचित। स्कूल की लापरवाही की वजह से बिहार करियर पोर्टल में मात्र 9,35,000 बच्चे ही पंजीकरण करा पाए हैं। यह 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का सिर्फ 20% है। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के बीच करीब 50 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस तरह देखा जाए तो स्कूलों की रुचि छात्रों का पंजीकरण कराने में नहीं है। पंजीकरण के लिए सभी स्कूलों से एक शिक्षक को नोडल बनाया गया था, जिसे पंजीकरण की जिम्मेवारी दी जानी थी। कई स्कूलों ने अभी तक नोडल शिक्षक की नियुक्ति भी नहीं की है। 2019 से 2022 तक के 9वीं से 12वीं तक के छात्र को इसमें पंजीकृत करना होता है। इसका मकसद छात्रों को 10वीं और 12वीं के बाद देश विदेशों के करियर विकल्प की जानकारी देनी है। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति की जानकारी भी दी जाती है। ऐसे में बाकी बच्चे सरकार द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहाँ खुलेगा बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज। राज्य का नया 15वां सरकारी मेडिकल कॉलेज सुपौल में खुलने जा रहा है। इसकी मंजूरी मिल गई है। सुपौल जिले में लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोला जाएगा। इसके लिए कुल 603,68,00,000 की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। सुपौल में नव स्थापित होने वाले लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य का 15वां सरकारी संस्थान होगा, जिसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। राज्य में अभी तक 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य पाइपलाइन में है। इसमें सिवान, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, जमुई, महुआ, वैशाली, झंझारपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, छपड़ा, सिवान, मोतिहारी, मुंगेर और बेगूसराय की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक राज्य में सरकारी क्षेत्र में 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की मान्यता मिल चुकी है। 2 वर्ष बाद एक बार फिर टेंट सिटी होगा आकर्षण का केंद्र। सावन के महीने में श्रावणी मेले के लिए बिहार से देवघर झारखंड तक भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसको देखते हुए झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार सरकार भी लोगों के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवाती आई है। ऐसे में इस बार भी बिहार सरकार ने विशेष सुविधा की तैयारी की है। आपको बता दें कि इस बार श्रावणी मेले पर कांवड़िया पथ में कांवड़ियों को ठहरने के लिए 2 वर्ष पूर्व की तरह इस बार भी पर्यटन विभाग की ओर से बांका के अबरखा में टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 50,000 वर्ग फीट में फैली यह टेंट सिटी सभी सुविधाओं से लैस होगी। इसमें बिजली की व्यवस्था, पंखा, मोबाइल, चार्जिंग की व्यवस्था, आईना, 50 शौचालय, स्नान गृह, पेयजल, सुरक्षा और कचरा निस्तारण आदि की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए टेंट सिटी में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। राज्य के तापमान में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी। बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मानसून के महीने में सूरज की किरणों से लोग झुलस रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सलाह दी जाती है कि खासकर दक्षिणी बिहार के लोग जरूरत पड़ने पर ही सुबह 9 बजे के बाद और शाम में 4 बजे से पहले घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस बीच सबसे अधिक तापमान वैशाली जिले में 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। औरंगाबाद, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में भी पारा 38 डिग्री के पार रहा। इस दौरान पूरे बिहार का औसतन तापमान 35 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहा। आज भी उमस भरी गर्मी के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। जनसाधारण एक्सप्रेस का आज से साबरमती स्टेशन पर भी होगा ठहरा। बिहार के मुजफ्फरपुर और गुजरात के अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और अहमदाबाद के बीच चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस आज से साबरमती स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। गाड़ी संख्या 15269 या 15270 मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस का साबरमती स्टेशन पर 2 मिनट ठहरेगी। 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15269 मुजफ्फरपुर अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस 7:13 पर साबरमती पहुंचेगी और 7:15 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। वापसी में 9 जुलाई से अहमदाबाद से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15270 अहमदाबाद मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस शाम 5:48 पर साबरमती पहुंचेगी और 5:50 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। लालू प्रसाद यादव खतरे से बाहर, फिर भी एयर एम्बुलेंस से आज गए
गया है दिल्ली। लालू यादव खतरे से बाहर, फिर भी एयर एम्बुलेंस से आज जाएंगे दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने 10 सर्कुलर आवास में सीढ़ियों से चढ़ने के क्रम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद उनका इलाज राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में हो रहा था। राजद सुप्रीमो की सेहत को लेकर खासकर बिहार के लोग काफी फिक्रमंद थे। इसको देखते हुए पारस हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया था। पारस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर तलत ने खुद मीडिया के सामने बताया कि लालू यादव बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर तलत ने बताया कि वो लालू यादव को रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार की इच्छा से वो आज शाम हवाई एम्बुलेंस में एम्स के लिए रवाना होंगे। वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर राजद सुप्रीमो का हाल जाना। कोरोना के मामले में देशभर की पॉजिटिविटी रेट है बेहतर। देशभर में कोरोना के मामले लगातार 15,000 से 20,000 के बीच में आ रहे हैं। आज यानी बुधवार को पिछले 24 घंटे के कोरोना के आए नए मामले की बात करें तो कुल 16,159 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 28 लोगों की जान भी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,394 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस बीच पॉजिटिविटी रेट 4 से नीचे आ गई है, जो राहत की खबर है। मौजूदा समय में पूरे देश में 115,212 सक्रिय मामले हैं। इस समय पूरे देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 3.56% है। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। एस वेस्टर्न टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल द्रविड़ ने बताया कि इस टेस्ट मैच में कई सारे अलग अलग लम्हे आए। हाँ, हमने दूसरी पारी में जरूर जल्दी 7 विकेट गवा दिए थे, लेकिन अगर टेस्ट मैच की शुरुआत में कोई कहता है कि आपको 360 प्लस रन डिफेंड करने हैं तो उसे हम आसानी के साथ ले लेते। हालांकि यह स्कोर उतना बड़ा नहीं था, शायद हम गेंदबाजी से बेहतर कर सकते थे और हमारी बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी नहीं रही। मैं किसी को इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं। इंग्लैंड ने अहम मौकों पर हमसे बढ़त बनाई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मैकाल मुर्मू, राजकुमार प्रसाद, रीमा राय, महेश दास, चंडिका मंडल, राजकुमार प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, संजीत कुमार, सुमन, अनमोल पुष्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में विदेशी कंपनियों के स्टार्टअप से राज्य की रोजगार व्यवस्था को सुधारने में कितनी मदद मिलेगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।